अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा भट्ट एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा मदीना या मक्का से, और काफ़ी जल्दी में क्योंकि बस दोबारा निकलने वाली है। तैयार वगैरह ने सामान वगैरह भी नीचे उतार दिया और अभी होटल में ही है, यहाँ पे हमारा रूम है और अभी सीधा मदीना जाएंगे। और क्योंकि हमारी सुबह 7:30 बजे की है बस की ड्राइव है, कोई लाहौर जितना सफ़र होता है कोई 5 से 6 घंटों का, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सामान वगैरह रख लिया और मक्का से निकल रहे हैं अभी। ये हमारी बस है और अंदर सामान वगैरह अंदर पड़ा हुआ है और ये हम मक्का से भी निकलने लगे हैं। सीधा अभी मदीना जाएंगे मक्का से, देखते हैं आगे क्या होता है। ये है जी अपनी बस और ये मक्का, और अभी बस निकलने लगे हैं यहाँ से हम। ये हमारी बस है और बस अभी मक्का से निकलेंगे मदीना के लिए। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। सब अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके हैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था ड्राइव को यहाँ से हमारी मक्का से मदीना के लिए। और देख रहे हैं कितना प्यारा मौसम है और साथ हवा भी चल रही है, मौसम भी बड़ा प्यारा है। और इधर बार बार कभी डेजर्ट्स आते हैं कभी पहाड़ आते हैं। ये वाली हमारी बस है और ये होटल वाला नहीं, होटल वाले साथ होती है उनके, और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं होते। और अभी हम सीधा जो है मदीना जाएंगे। इधर दरमियान में इन्होंने हमें स्टे दिया है, यहाँ पर आपको होटल वगैरह मिल जाता है और यहाँ पर पाकिस्तानी होटल भी है यहाँ पर, और आइसक्रीम वगैरह अगर खानी हो। हमने फिलहाल कुछ भी नहीं लिया, आइसक्रीम भी वो आइसक्रीम भी थी पता नहीं लिक्विड कुछ और था, तो फिलहाल हमने कुछ भी नहीं लिया। और रास्ते में वैसे भी खाते पीते आ रहे थे, सात चीज़ें लाए हुए थे। तो अभी बस सीधा निकलते हैं मदीना की तरफ। अभी हम मदीना पहुंच आए हैं लेकिन एक मसला हो गया। मसला ये हो गया कि हमें दूसरे होटल पे उतार दिए। देख रहे हैं जूम करके दिखाता हूँ, इस होटल पे उतार दिया, हमारा दूसरा होटल था और इस पे हमें उतार दिया। दूसरे होटल का नाम मुझे सही नहीं आता, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अभी ये दूसरे होटल पर हमें बस वाले ने उतार दिया, तो अभी दोबारा हम लोग यहाँ से गाड़ी वगैरह कराएँगे ये या मैं करा के देंगे और हम दूसरे होटल पर जाएँगे। बता रहे थे कि दूसरे होटल की जो फ्लाइट थी हमारे रूम की वो डिले हो गई थी, तो उधर जो लोग थे वो इधर ही हैं। तो अभी हमें 9 बजे जो है रात को चेक इन करने के लिए मिलेगा और अभी 3 बज रहे हैं। तो बाकी मक्का पहुँच आए हैं माशाल्लाह, और अभी 9 बजे से चेक इन होगा, तो देखते हैं अभी आगे क्या सीन बनता है। अन वगैरह भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यार अभी चेक इन हो गया हमारा, और क्या लेवल का कमरा मिला और 3 बंदे और 3 ही बेड मिले हैं। पिछली बार हमारे साथ और भी बंदे थे, लगा लेंगे जी हम, किस लिए आए हैं। ये 3 बेड है और बाहर का भी, बाहर से ये भी आए खुल जाती है, मैं दिखा दूँ एक बार, ये बाहर का भी है यहाँ से लेकिन पूरी नहीं खुलती। और अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं, LCD वगैरह भी लगी हुई और फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते। अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हम आगे जाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आगे ये मस्जिद नबी में अभी, और आगे जाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आप साथ साथ देखते जाएं।
अभी यहाँ से आगे निकल कर और आगे नमाज पढ़ने जाने हैं ईशा की। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। होटल वगैरह आ गए थे और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और कल इंशाल्लाह मदीना में ही यहाँ पे होंगे और फिर देखते हैं ज़ियारात वगैरह भी करने हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो देखते हैं और क्या होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।